गर्मियों में पसीनों के कारण से हमारी बॉडी कुछ पार्ट में इचिंग होने लगती है, खुजली का एहसास होने लगता है, लाल थोड़े थोड़े मार्क्स उभार के निशान देखने को मिलते हैं। बरसात में कपड़े या तो गीले हों या काफी देर तक आप भीगे रहें तो भी ऐसे रैशेज देखने को मिलते हैं, और कभी कभार तो बिना इन दोनों रीजन की वजह से भी हमारी बॉडी कुछ पर्टिकुलर पार्ट में खुजली का एहसास होने लगता है, जिसे हम साधारण भाषा में दाद खाद या खुजली के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे का मेन लॉजिक क्या है? हर जगह तो नहीं, बट इनमें से काफी जगह इनके पीछे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होता है हमारे फंगल्स। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके फार्माकोलॉजी 3 का एक और टॉपिक, जो कि है एंटी फंगल एजेंट। और आज के इस पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड सेशन में हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग फंगल्स, उनके ट्रांसमिशन और उनके इन्फेक्शन की क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो हमको यह जानना होगा कि ये फंगल है क्या। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एग्जांपल है, लेकिन इनमें बैक्टीरिया की तरह कुछ सिंपल फीचर्स नहीं पाए जाते, ये उनसे थोड़ा सा ऊपर की कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फंगस हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट्स। अब ये यूकैरियोट्स क्या है, इसके बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा और माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। बेसिकली अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उनके एडवांसमेंट के अकॉर्डिंगली, तो हम उनको दो मेन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोट और दूसरा होता है आपका यूकैरियोट। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक मेजर डिफरेंस मैं आपसे शेयर करूंगा। प्रोकैरियोट में पहला वर्ड है पी, जो डिनोट करता है पहले आए गए सब्सटेंस, जस्ट फॉर ट्रिक के पर्पज से, यानी कि जो चीज पहले आया होगा वो एडवांस तो नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ कमियां कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो रहे होंगे। और यू का मतलब, यानी कि जो यहां पे ई कैरियोट लिखा हुआ है, यू कैरियोट्स हमको बोलते हैं, ई वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है एडवांस, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसे फीचर ऐसे ऑर्गेनल डेवलप हुए होंगे जो कि इनको थोड़ा सा सुपीरियर बनाते होंगे आपके प्रोकैरियोट से। इनमें आपके न्यूक्लियस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस में से एक यही है कि ये यूकैरियोटिक सब्सटेंस है और इनमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। दे हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि इनके पास एक दो तरीके से सेट या पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो दे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे हमने डिस्कस किया चुकी है यूकैरियोट है, इनके में एक प्रॉपर्टी होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, एंड हैव स्टेरॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो स्टेरॉल है बेसिकली एक लिपिड है जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा इनके डिफरेंट डिफरेंट बैरियर बनाने के लिए, इनके सेल के कंपोनेंट बनाने के लिए। स्टेरॉल कॉम्बिनेशन है आपके स्टेरॉइड और अल्कोहल का, जो दोनों मिलाकर के एक लिपिड का परफॉर्मेंस अटेन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपके सेल के मेम्ब्रेन को बनाने में। सेल का मेम्ब्रेन आप जानते हैं, पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, एक प्रकार से ये आपके जितने भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इनको रेगुलेट करने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में एक और बेसिक जानकारी, तो देखिए दे आर हेटरोट्रॉप्स लिविंग इन प्री फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये इनका जो फॉर्म है वो समय के साथ साथ जो आगे जाकर के साइकिल्स आएंगे इनके साथ साथ ये चेंज करते रहते हैं, और दे लिव इन प्री फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये पहले से बने हुए ऑर्गेनिक मैटर में लीव करते हैं, उनमें सरवाइव करते हैं। अगर आप अपने घर में कई सारे हाउसहोल्ड चीज देखे होंगे, लकड़ियां तक देखे होंगे, उनमें इस तरह के फंगल इंफेक्शन या फंगस की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, खास करके बरसात में। जो कई लोग मशरूम यूज करते हैं वो भी एक एग्जांपल है इसी फंगस का, यानी कि वो आपके लिए पैथोजेनिक नहीं है, वो यूजफुल है। तो ये हमारे पहले से बने हुए ऑर्गेनिक मैटर में ग्रोथ हो सकते हैं। अगर मैं कहूं इनको मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर फंगी कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक जो फंगी है फंगाई है, इनके ग्रोथ के लिए जो बेसिक मेटाबॉलिज्म क्या हो सकता होती है, उस मेटाबॉलिज्म में किन किन स्टेप्स को देखा गया है या इनके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, तो दो मेजर पार्ट को हमने यहां पे इंक्लूड किया है। इसी के अकॉर्डिंगली आगे जाकर के आप एंटी फंगल ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइट ऑफ एक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। पहला है सिंथेसिस ऑफ काइटिन। व्हाट इज द काइटिन? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। काइटिन जब सिंथेसिस करेंगे तो ये काइटिन बेसिकली पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, और ये जो काइटिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सेल वॉल के सिंथेसिस में। सो सेल वॉल, जैसा हमने बैक्टीरिया केस में भी देखा, सेल वॉल एक ऐसा पार्ट है सेल का जो कि सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, और बाहर से आने वाले स्टिमुलस से उस सेल की प्रोटेक्शन भी करता है। तो यहां पे काइटिन फंगल के सेल के वॉल को बनाने में मदद करता है, और ये एक
इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है करस्पॉन्डिंग टू फंगी। लेकिन आगे जाकर के हमको इस फंगस को खत्म करना है, किल करना है, तो हमको उसी सेल वॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट करना होगा, जैसे हमने बैक्टीरिया केस में देखा था। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप काइटिन के सिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे एनी हाउ। दूसरा, इनका जो एक और मेटाबॉलिक पाथवे है या मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें इंक्लूड करते हैं सिंथेसिस ऑफ अर्गोस्ट्रॉल, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। आगे जाकर के हम इसी अर्गोस्ट्रॉल के बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। ये अर्गोस्ट्रॉल किसमें इंपॉर्टेंट है और किसमें पार्टिसिपेट करता है? ये पार्टिसिपेट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस के लिए अर्गोस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें देखिए, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी दोनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन का भी रेगुलेशन का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये इस पर्टिकुलर फंगल सेल के लिए काम करते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। अगर हम एनी हाउ इन दोनों के फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी कॉज कर दें या सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को भी इनहिबिट कर दें, तो हम अल्टीमेटली अपना एंटी फंगल इफेक्ट देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर की। दीज आर वेरी सिंपल एज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमको ये जानना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिनके प्रेजेंस में या जिनके होने के बाद किसी व्यक्ति को फंगल इंफेक्शन होने की थोड़ी सी ज्यादा संभावना होती है। ये जो कंडीशंस हैं वो और आगे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशंस, बट जो मेन है वो हम यहां पे बात कर सकते हैं। पहला है इंप्रॉपर यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नाउ एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजन जनरेट हो रहा होगा कि अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को यूज करेंगे तो उससे फंगल इंफेक्शन के बढ़ने की संभावना कैसे होगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप इस वर्ड को ध्यान दें आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है इम्प्रॉपर, जो पहला ही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा है, बिना तरीके के, बिना एक सुटेबल गाइडलाइन के अगर हम यूज करें, और वो भी कौन सा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहने का मतलब होता है एक ऐसा एंटीबायोटिक जिसका जो थेरेप्यूटिक रेंज है वो थोड़ा ज्यादा है, यानी कि वो एक दो लिमिटेड मात्रा में बैक्टीरिया को खत्म करेगा ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, अनसर्टन रीजन की वजह से वो काफी सारे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। तो ये हो गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि इसकी यूटिलिटी एक से ज्यादा प्रॉब्लम को ठीक करने में है। इनको अगर हम इम्प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं है, देखिए किल किसको करना था हमको एंटीबायोटिक यूज करने पे, उन बैक्टीरिया को जो कि पैथोजेनिक है, जिनकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में देखने को मिल रही है, टारगेट के लिए एक स्पेसिफिक तरीके से अगर हम बात करें, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी अगर हम आइडियली बात करें तो उन्हीं तरह के बैक्टीरिया को खत्म करना चाहिए जिन बैक्टीरिया की वजह से आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और नॉन प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, इम्प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वो ऐसे भी बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे जो कि आपके पैथोजेनिक नहीं है, यानी कि जिनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो फंगस थे वो अब रिटेन करके रखेंगे। वो क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो अपने न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं फंगस को इंगल्प करते थे, फंगस को खत्म करते थे, यूज करते थे अपने लिए। तो जो फंगस को खत्म करते थे वो आपसे, आपके वो फंगस से इंफेक्शन से थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते थे। क्योंकि आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज किया, इसलिए पैथोजेनिक के साथ साथ ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी खत्म हो गए, और जो बैक्टीरिया इन फंगल को कंज्यूम करते थे अपने न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अब कहां रहे, वो नहीं रहे, इसलिए फंगल का जो ग्रोथ था वो लिमिट होने के बजाय वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसके कारण से भी फंगल इंफेक्शन होने की संभावना है। दीज आर अ पॉसिबिलिटीज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है स्प्रेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम हुई है जो कि उनके इम्यून सिस्टम को काफी वीक कर देता है, तो उस वीक इम्यून सिस्टम के कारण से भी फंगल इंफेक्शन के बढ़ जाने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट, ये तो नाम ही बता रहा है और एक फुल चैप्टर भी इसी पे है। इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब ऐसे ड्रग जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, अब चाहे वो किसी डिजीज की वजह से हो या इंटेंशनली किसी ऐसे ड्रग की वजह से जो कि आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता हो, तब तो आपके बैक्टीरिया के साथ साथ फंगस भी आगे जाकर के और अच्छे से ग्रोथ होने की संभावना रखते हैं। क्योंकि इम्यून सिस्टम जो कि उनके अगेंस्ट में फाइट करता, उनसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता, वो तो आपने जानबूझ करके रिड्यूस किया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, एक एगर्ली क्वेश्चन के रूप में, कि हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाए, फिर ऐसा क्यों कि हम यहां पर बात कर रहे हैं यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट? कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको इंटेंशनली जानबूझ करके डिजायरेबली विलफुली कि आपके इम्यून सिस्टम को हमको कम करना है, ताकि इम्यून
सिस्टम उस ड्रग के रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करें, या अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अगर हम आपके ही बॉडी के आपके ही किसी पर्टिकुलर पार्ट में ट्रांसफर करें तो भी कभी कभी ऑर्गन को रिजेक्शन होने का संभावना रहता है। दूसरे का करेंगे तो पॉसिबिलिटीज तो है, अगर कंपेटिबिलिटी चेक हुई है उसके बाद भी कभी ना कभी प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है, तो ऐसे केस में अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा आपके ही बॉडी के पार्ट को या कंपेटेबल होने के बावजूद दूसरे के बॉडी के पार्ट को। फॉर शॉर्ट टर्म भी हम उनके ये जो रिजेक्शन का प्रोसेस है इसको मिनिमाइज करते हैं, और रिजेक्शन कौन करता है? हमारा इम्यून सिस्टम। So, इम्यून सिस्टम को हम थोड़ा वीक कर दें ताकि आपके रिजेक्शन को हम कम कर सकें, इसीलिए हमको इम्यूनोसप्रेशन देना पड़ता है। So, अगर मान लीजिए कोई इम्यूनोसप्रेशन की थेरेपी का रेजिमेंट चल रहा हो तो इम्यून सिस्टम आपका थोड़ा डाउन होगा एज कंपेयर टू नॉर्मली, और इस केस में जो ऐसे कंडीशंस छिपे हुए हैं डॉर्मेंसी में, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस में आपने देखा, चाहे फंगल हो या कोई और इंफेक्शन हो, वो उभर करके आ सकते हैं इसकी संभावना होती है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा केयर हमको करना पड़ता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एनी कंडीशंस व्हिच रिक्वायर इम्यूनोसप्रेशन। उसके बाद है कैंसर कीमोथेरेपी। ऐसे कोई पर्टिकुलर पर्सन जिनको कैंसर हुआ हो और इस कैंसर को ठीक करने के लिए कीमोथेरेपेटिक एजेंट को यूज कर रहे हो, कीमोथेरेपी चल रही हो, रेडिएशन थेरेपी चल रही हो, तो भी उनका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। इस केस में भी कुछ दूसरे तरह के इन्फेक्शन, आज के टॉपिक के रिस्पेक्ट में बात करें तो फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन। उसके बाद अगला है वो है ओल्डर एज। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब अपने एक एज ग्रुप को क्रॉस करते हुए एडोलेसेंस से आपके जेराटिक म्यूक्योर मूव करता है, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा धीरे धीरे वीक होता चलता है, और ऐसे केस में किसी भी तरह के इंफेक्शन के ज्यादा होने की संभावना होगी। रिसेंटली आपने देखा है कोरोना वायरस के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ऐसे व्यक्ति जो बुजुर्ग हो गए हैं या जो बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, इनके में ज्यादा संभावना देखने को मिली कोरोना वायरस का, और इनका ट्रीटमेंट का रेशियो भी एज कंपेयर टू रिकवरी के रेट में पहले से दूसरों की तुलना में जो एडल्ट है उनकी तुलना में कम है। कारण यही है, आपने कई बार देखा भी इसको कि उनका इम्यून सिस्टम अभी उतना स्ट्रांग नहीं रह गया जैसा कि एडल्ट के केस में रहते थे। सो ये भी दूसरे तरह के इंफेक्शन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनसे अपने आप को बचाने की जो इनकी एबिलिटी है वो कम हो सकती है। फिर हम बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटिक पेशेंट ऐसे ससेप्टेबल पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी तो थोड़ी बहुत मेंटेन रहेगी ही, लेकिन उनके अंदर के जो कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी के बॉडीगार्ड कहलाते हैं, मैक्रोफेज, डब्ल्यूबीसी, उनके फंक्शनैलिटी में थोड़ी सी रिडक्शन या कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी अगर इंफेक्शन होता है तो ज्यादा संभावना होते हैं। डायबिटिक फूड भी इसका समझ सकते हैं आपको कि जल्दी रिकवर नहीं होता। डायबिटिक के सिम्टम में भी आपने देखा है कि कोई छोटा वुंड भी अगर डेवलप होता है तो उसकी रिकवरी अच्छी नहीं होती। अगर कहीं आपके बॉडी में कोई फंगल इंफेक्शन हो गया है, रिंग वर्म हो गया है, दाद वगैरह हो गया है, तो उनमें प्रॉब्लम होगी और वो इचिंग कॉज कराते हैं। इचिंग के कारण से अगर आप अपने अर्ग को रोक नहीं पाएंगे, इच करेंगे तो वो आपके लेजन कॉज करेंगे, स्किन के में अल्सर छिलाव कॉज कर सकते हैं, फिर वो जो पस बनेगा या कुछ और बनेंगे वो आगे जाकर के फंगल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन को कॉज कर सकते हैं। सो दीज आर इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ डायबिटीज मेलिटस इन केस ऑफ फंगल और अदर टाइप ऑफ बैक्टीरियल इंफेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के केस में। सो इफ एनी मदर, एनी वुमन इज प्रेग्नेंट, तो वहां पे चांसेस बनते हैं कि वो इन्फेक्शन को थोड़ा सा कम फाइट कर पाए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तो भले ही ओके हो रहा हो अपने लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट की वजह से, बट उनके अंदर वो जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, एक फाइट करने की एबिलिटी होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इसीलिए वो ज्यादा संभावनाओं को रखते हैं। और ये चांसेस भी हो सकते हैं कि वो जो वीक फील कर रही होंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन है वो ट्रांसफर आउट होता है, तो उस केस में भी ये चीजें बढ़ सकती हैं, नॉट एग्जैक्टली बट दीज आर द पॉसिबिलिटीज। उसके बाद है बर्न वुंड एंड अदर टाइप ऑफ रीजन। बर्न वुंड कहने का मतलब है जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जल गया हो, जलने की वजह से घाव हुए हो, तो वो फिर और संभावना बढ़ाते हैं आपके फंगल इंफेक्शन को। हमने कई बार कहीं ना कहीं अपने बॉडी में इस तरह के फंगल इंफेक्शन को देखे हैं जो या तो व्हाइट व्हाइट दिखते होंगे या रेड रेड डॉट डॉट दिखते होंगे, या आपने रिंग वर्म देखा होगा, या आपके बरसात में बॉडी के जॉइंट्स पार्ट में कुचली होती होगी, या आपके इन उंगलियों के बीच में भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलती होंगी, चाहे वो उंगलियां पैर की हों, चाहे वो उंगलियां आपके हाथ की हूं, या कोई ऐसे व्यक्ति जो बार बार पानी के कांटेक्ट में आते हैं उनके में भी ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं समहाउ ये फंगल इंफेक्शन को ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये हो गए कुछ बेसिक रिस्क फैक्टर, दीज आर नॉट कॉजेस। कॉजेस और रिस्क फैक्टर में अंतर हमने आपको डिस्कस किया था। कॉज जिसकी वजह से हो रहा हो, तो इस तरह के इन्फेक्शन की कॉज है हमारा फंगस। रिस्क फैक्टर मतलब ऐसे चीजें जो कि उसके होने के संभावनाओं को बढ़ा दे। एग्जांपल दिया मैंने आपको आग और पेट्रोल का। आग के जलने का कॉज है माचिस, लेकिन पेट्रोल उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए रिस्क फैक्टर है। दिस आर काइंड ऑफ एग्जांपल। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ फंगल इंफेक्शन।
जो फंगल इंफेक्शन है वो कैसे कैसे किस किस तरीके से किस किस पार्ट से मूव करता है, ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक ही पर्सन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, इसको देखते हैं। फिर अगले सेक्शन ऑफ व्हाइट बोर्ड में हम इनके इंफेक्शन को कैटेगराइज करेंगे अलग अलग टाइप में। सबसे पहले बात करें इनहेलेशनल ऑफ स्पोर या इनहेलेशनल ट्रांसमिशन। ये जो स्पोर्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फंगल के, ये कैसे मूव करते हैं, ये मूव करेंगे इनहेलेशन के थ्रू। मैक्सिमम जो डिजीज होते हैं, काफी कुछ, हर कोई तो नहीं, वो आपके इनहेल करने की वजह से आपके बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, एक्सहेल करने की वजह से बाहर निकलते हैं, फिर यही एक्सहेल को कोई और इनहेल करेगा तो वो कम्युनिकेट होता रहता है। तो आसपास कहीं अगर फंगल के स्पोर्स हैं, इनको अगर हमने जानबूझ करके गलती से या रिस्क फैक्टर को अवॉइड करते हुए इनहेल किया तो वो मूव कर सकते हैं। और इसके अंदर के जो बेसिक एग्जांपल है प्रॉब्लम के, वह एस्परजिलस, क्रिप्टोकोकस और हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये कुछ कंडीशंस हैं जो इसी तरह से मूव करते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका पेनिट्रेशन इनटू म्यूकोसा, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो कि आपके म्यूकोसल पार्ट में मूव करेंगे, पेनेट्रेट करने लगेंगे, उनके कारण से क्या क्या हो सकता है, बाय कोमेंशियल ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जांपल है कैनेडिया एल्बिकेंस, यानी कि ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ सहजीवी का निभाते हैं, सिम्बायोसिस का जो आपने सुना होगा वो इस तरीके से मूव करा के लेके जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जो मगरमच्छ होते हैं वो अपने दांतों में फंसे हुए मांस के पीस को, टुकड़ों को रिमूव करना चाहते हैं बट वो खुद से नहीं कर सकते, तो वो अपना मुंह ओपन करते हैं और जो बगुले आते हैं, जो कुछ पक्षियां आती हैं, वो उनके दांतों पे बैठ करके उस फंसे हुए टुकड़े को खुद के भोजन के लिए यूज करते हैं। तो इससे दोनों का फायदा हो रहा है, मगरमच्छ के भी जो इरिटेबिलिटी है दांत में फंसने की वजह से वो भी सॉल्व हो रहा है, उसको फूड भी मिल रहा है। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। तो अगर कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऐसे हुए कि एक को पर्टिकुलर फंगल इन्फेक्शन है, दूसरा उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो ये भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। उसके बाद जो तीसरा है वह है परक्यूटेनियस इनोक्यूलेशन, सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस, इन दोनों पे अगर इनोकुलेट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए और स्प्रेड हो जाए तो वो भी एक मेजर कॉज है कम्युनिकेशन का आपके फंगल इन्फेक्शन का। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल है इनक्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन सच एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट दैट इज डर्मोफाइट्स एंड मदुरा फूट। डर्मोफाइट्स क्या है, एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आपके हेयर में, स्कैल्प पे, फिंगर्स में कुछ इचिंग जैसे दिखने लगे, इन्फेक्शन देखने को मिले, फंगल इन्फेक्शन, और इसको हम रिंग वॉर्म जो देखते हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो यहां पे हो सकता है सबक्यूटेनियस या क्यूटेनियस पार्ट में। जो मदुरा फूट है वो एक बेसिक इन्फेक्शन है जो कि लिंब में और पैरों में खासकर देखने को मिलता है, अगर आप इसका इमेज सर्च करेंगे तो ईजी समझ जाएंगे, वो पैरों में बहुत बड़ा मोटा सा फंगल इन्फेक्शन डॉट 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 काफी सारे लगते हैं, तो आपको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू टू सर्च इट इन गूगल ताकि आप इसका इमेज अच्छे से देख सकें। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपके इस तरह के क्यूटेनियस परक्यूटेनियस तरीके से मूव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इंजेशन ऑफ टॉक्सिंस, ये बहुत ही नॉर्मल, नेचुरल और अपने कंट्रोल में होने वाली प्रॉब्लम का स्प्रेडेशन है। हमारे घर में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम थोड़े लंबे समय तक स्टोर रखना चाहते हैं, मौसम की वजह से भी और इम्प्रॉपर कंटेनिंग कंटेनर या इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से भी उनके अंदर फंगल आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे वो आपका अचार क्यों ना हो, चाहे आपके फूड मटेरियल क्यों ना हो या कोई भी और ऐसी चीजें क्यों ना हो। तो वो जो सफेद सफेद आपको ऊपर में रेशे रेशे दिखते हैं, दीज आर द फंगल्स, अगर इनको हम कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत दिक्कत की बात है। सो आई रिक्वेस्ट यू नेवर कंज्यूम such kind of food which is having fungal in their surface. Fungal बहुत ही dangerous होता है, इसके treatment में भी काफी थोड़ा time लगता है। तो इस तरह के conditions में, चाहे वो water में कोई infection हुआ हो, चाहे food में हुआ हो, toxins तो हैं, इनको अगर use करेंगे तो भी poisonous हो सकते हैं। So these are basic types of infection which can transmit from one part to another, one person to another person, non-living organism to living organism, ताकि ये move कर सकते हैं। तो ये हो गया आज के व्हाइट बोर्ड में एक बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग फंगल एंड टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिकेशन। इसी वीडियो के दूसरे व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे इनके कम्युनिकेशन के साथ साथ इनके टाइप्स के बारे में भी। अब इस वाले व्हाइट बोर्ड के सेक्शन में हम बात करेंगे उन इन्फेक्शन के क्लासिफिकेशन का। मतलब क्या हुआ इस बात का कि कभी न कभी हमने तो ये फंगल इन्फेक्शन फेस किया है। कुछ दिनों में आपको मैं एक फंगल का एग्जांपल भी वीडियो में लाइव तरीके से इंक्लूड करके दूंगा। ये फंगल अलग अलग जगह में होते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमको क्लासिफाई करना है। कभी वो आपके स्कैल्प पे बालों के नीचे पाए जाते हैं, कभी एक बालों में नोड्यूल्स के रूप में दिखते हैं, कभी आपके पैरों में, आपके पाम में, आपके स्किन पे, आपके अंडरआर्म में, बॉडी के अलग अलग जगह भी मूव कर सकते हैं।
हैं, ये तो बॉडी के सुपरफिशियल लोकेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपसे बात किया। कभी कभी अगर इनका जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होता है, अगर हमको इनहेल करते हैं या इंजेस्ट करते हैं, तो फिर आगे जाकर के चांसेस बनते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट चांसेस बनते हैं कि ये आगे जाके सिस्टमिक रूप से थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड कर सके, खास करके इनहेलेशन के थ्रू जा रहे तो ये अलग अलग तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के। तो इस वाले सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि फंगल इंफेक्शन कहां कहां कैसे कैसे आपकी बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करेगा। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में आपको डिस्कस करते हैं, फिर अंदर के पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है फंगल इंफेक्शन का, साइट ऑफ अवेलेबिलिटी या साइट ऑफ अकरेंस के हिसाब से, वह है सुपरफिशियल फंगल इंफेक्शन। दूसरा है आपका क्यूटेनियस फंगल इंफेक्शन। तीसरा हम क्लासिफाई करते हैं सब क्यूटेनियस फंगल इंफेक्शन। उसके बाद जो अगला होगा वह आपका म्यूकोक्यूटेनियस, या इसी को हम बोल सकते हैं कैनिडियासिस फंगल इंफेक्शन। फिर हम बात करते हैं सिस्टमिक फंगल इंफेक्शन, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है आपका सिस्टमिक फंगल इंफेक्शन के बाद, जो कि अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, और यह आपका ऑप्टिमिस्टिक या ऑपरचुनिटिस्टिक फंगल इंफेक्शन, जो अवसर के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं क्लासिफिकेशन के, जो इस बात को दिखाएंगे कि उस पर्टिकुलर पार्ट में किस फंगल की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, और हम उसको आगे आने वाले क्लासेस में किन तरह के ड्रग और किन तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करके ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके पहले सुपरफिशियल फंगल इंफेक्शन से। सुपरफिशियल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एकदम ऊपर ऊपर सतह पे, सतही जगह पे इस तरह के फंगल इंफेक्शन देखने को मिलते होंगे। ये जो फंगल इंफेक्शन है वो लिमिट होते हैं आपके आउटर लेयर ऑफ या तो स्किन पे या तो हेयर पे। आउटर लेयर मतलब सरफेस, ओके, धीरे धीरे हम अपने चमड़ियों के बारे में बात करते हैं, हम स्किन की बात करते हैं, ये आपका सुपरफिशियल है। धीरे धीरे वो क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस और इस तरह से अलग अलग इंटरनल पार्ट में मूव कर सकते हैं, तो ये सुपरफिशियली पाया जाएगा। और इस तरह का एग्जांपल समझना बड़ा आसान है, बहुत सिंपल सा है, ये है आपका टीनिया नाइग्रा। अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे इमेज के रूप में, तो आप पाएंगे कि आपके ये पैरों में, पैर के ऊपरी वाले हिस्से पे एक ब्राउन ब्लैक डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर, एक मार्क जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, जो कि पेनलेस होंगे, उनमें पेन नहीं होगा। तो ये आप इसकी बैक्टीरिया, इस फंगल की वजह से कॉज होने वाले प्रॉब्लम है। इसके बाद देखिए ब्लैक पेडिरा, व्हाइट पेडिरा, ये क्या ब्लैक और व्हाइट, उनके कलर को डिपेंड करते हैं। जैसे आपके बालों में रूसी होता है अलग, उसी तरीके का है, समझने के हिसाब से आपको बता रहा हूं। आपके हेयर के ऊपर एक नोड्यूल्स बनने लगते हैं, थोड़े थोड़े मोटे मोटे उभार लिए रहते हैं, या ये अगर ब्लैक होंगे तो इन्हें हम ब्लैक पेडिरा कहेंगे, और अगर ये व्हाइट होगा तो इसी के अकॉर्डिंग जाना जाएंगे। ये भी फंगल इंफेक्शन ही है अलग अलग तरह के। तो इनका लोकेशन सुपरफिशियल हो गया, आउटर मोस्ट लेयर पे हो गया आपके स्किन के या तो हेयर के। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज क्यूटेनियस फंगल इंफेक्शन, यानी कि आपके क्यूटेनियस पार्ट पे होंगे। ये जो है वो रेस्ट्रिक्ट होते हैं केराटिनाइज्ड लेयर ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स, यानी कि आपके, आप जानते हैं कि अलग अलग तरीके के सेल होते हैं बॉडी में, आपने पढ़ा होगा, तो वैसे केराटिनाइज्ड सेल हैं जो मेनली पार्ट बनाते हैं हेयर के, नेल्स के, इन्हीं के पर्टिकुलर पार्ट में ये पाए जाएंगे। ऐसे फंगल जो इस तरह के इंफेक्शन को कॉज करते हैं, इनको हम बोल सकते हैं डर्मेटोफाइट्स के रूप में जान सकते हैं। पिछले सेक्शन ऑफ दिस वीडियो के व्हाइट सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि डर्मेटोफाइट्स क्या है। बेसिकली ये आपके बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे फंगल के इंफेक्शन को कॉज करते हैं, जिनके अंदर रिंग वर्म को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो ये है रिंगवर्म, जैसा मैंने आपको समझाया कि इसके अंदर हम रिंगवर्म को भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन टीनिया कैपिटलिस जो स्कैल्प पे होते हैं, यानी कि आपके बालों के निचली सतह पे, जिसको हम लोग स्कैल्प जनरली भाषा में समझते हैं, जहां रूसियां डैंड्रफ जहां पे होती हैं, उनको भी हम समझ सकते हैं। और एक बात तो हम आपको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मार्केट में कई तरह के एंटी फंगल शैम्पू जाते हैं, उन शैम्पू का भी यूज हम करते हैं जब बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो, स्कैल्प हो रहे हो, या कोई और फंगल इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक पेडरा या व्हाइट पेडरा, इनके केस को ठीक करने के लिए वो शैंपू यूज करते हैं जिसमें अलग तरह के एंटी फंगल ड्रग को कॉम्बाइन किया जाता है। तो ये उनके एग्जांपल हैं जिनको हम लोग एक साथ बोल सकते हैं। टीनिया मैनस भी है जो कि हैंड में, हाथों में देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो सबक्यूटेनियस फंगल इंफेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन दीज आर कंसिडर्ड एज ए सबक्यूटेनियस बीनीथ द क्यूटेनियस पार्ट। ये आपको अफेक्ट करते हैं या इनके अंदर इंक्लूड करते हैं हम जिस पार्ट को, वो है आपका डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, मसल,
मसल्स एंड फासिया, जो कि आपके इंटरनल पार्ट को बीनीथ द स्किन मसल्स और ऑर्गन को इंटैक्ट अटैच और अलग तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए सेपरेट करते हैं, वो फेशियल पार्ट है, उन पे हम लोग देखते हैं कि इन तरह के इंफेक्शन हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके एग्जांपल की, तो ये है यूमाइटोसाइट्स माइकेसिटोमा। ये कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, तो ये इस क्लास को बिलोंग करते हैं। फिर हम बात करते हैं म्यूकोक्यूटेनियस, या इसी का जो दूसरा नाम है वह है कैंडिडियासिस। म्यूकोक्यूटेनियस नाम सुना रहा होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन के बीच के एक लेयर के ऊपर इस तरह के इंफेक्शन हमको देखने को मिलते हैं इस क्लासिफिकेशन में। ये जो इन्फेक्शन है दिस कैन बी अकर एनीवेयर बट आर मोस्ट कॉमन, ये जो इन्फेक्शन है वो मोस्टली कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन पार्ट है जिन पे संभावना ज्यादा होती है ये है स्किन फोल्ड, जहां पे स्किन में फोल्ड नजर आते हैं वहां पे भी हो सकते हैं। जेनिटल पार्ट में मेल में फीमेल में दोनों के फीमेल जेनिटल पार्ट में इस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा तक देखने को मिलती है, खास करके ये फीमेल में वजाइनल कैंडिडाइटिस के रूप में ज्यादा देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं ओरल पार्ट में भी हो सकता है, ओरल म्यूकोसा में भी हो सकते हैं, आपके थ्रोट में भी ये प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। देन अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैनिडिया अल्बिकेंस, ये इस तरह के प्रॉब्लम को कॉज करते हैं। और इनके बारे में हमने आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की जो एक स्लाइड है इसमें भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो इफ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देन यू कैन सर्च इट इन आवर चैनल, यू कैन गेट द पीडीएफ ऑल्सो। उसके बाद हम बात करते हैं आपका अगला क्लासिफिकेशन जो कि है सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन, यानी कि ऐसा इन्फेक्शन कॉज बाय फंगस जो आपके स्किन पे स्किन के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ना रुक करके इंटरनली मूव करने लगे ब्लड तक पहुंच सके, दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक फंगल इंफेक्शन। और ये काफी खतरनाक हो सकता है, इसके ट्रीटमेंट का जो रेजिमेन है वो लंबा खींच सकता है और आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके के रैशेस फंगल इंफेक्शन के जो सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये इंक्लूड करते हैं फंगल कॉलोनाइजेशन बक्कल कैविटी एंड पोर्शन ऑफ लोअर एंड अपर जीआईडी। ये जो कॉलोनाइजेशन का कॉलोनाइजेशन मतलब होता है एक साथ ग्रुप में कोलैबोरेट होकर के कॉलोनी बनाना, ये स्टार्ट करते हैं आपकी बकल कैविटी से, फिर वो मूव कर सकते हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, और ये आगे भी मूव कर सकते हैं खास करके इनहेलेशन के थ्रू, और ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रॉब्लम कर सकते हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन में एडहेयर हो सकते हैं, रुक सकते हैं, आगे जाकर के ये एल्वियोलाई में भी पहुंच सकते हैं। एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद हमारी बॉडी के जो बॉडीगार्ड सिस्टम है जो आपके फेगोसाइट्स वगैरह हैं इनके साथ इनकी फाइटिंग होती है, और अगर ये फाइटिंग में सरवाइव कर दें तो ये आगे जाकर के और स्प्रेड होते जाते हैं। यूं तो उस पे फाइट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम है यानी कि होस्ट की बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम है उस तरह के फंगल के इन्फेक्शन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ फंगल ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आप को इनसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वही आगे जाकर सर्वाइव करते हैं और स्प्रेड होते रहते हैं। और इसी को इस लाइन पर समझ सकते हैं, यूजुअली फंगी अडॉप्ट देमसेल्फ टू एडवर्स कंडीशंस प्रेजेंट इन द होस्ट, यानी कि जो फंगी है वो होस्ट में प्रेजेंट एडवर्स कंडीशंस, बॉडी टेम्परेचर का ज्यादा होना, आपके मैक्रोफेजिक सेट का फाइट करना उनके अगेंस्ट में, या कोई और डिफेंसिव सिस्टम जो हमारी बॉडी का काम कर रहा होगा इनको हटाने में, उससे अपने आप को उस एडवर्स कंडीशन से अपने आप को बचाने में कैपेबल होते हैं, और वो आगे जाकर सिस्टमिक सर्कुलेशन के रूप में मूव आउट होंगे थ्रू आउट द बॉडी, ये उनका एक नेचर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी का एग्जाम्पल, तो ये है आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस ब्लास्टोप्लाज्मोसिस, ये इसी फंगल इंफेक्शन के एग्जाम्पल है सिस्टमिक तरीके के। फिर एक और आता है वह आपका ऑपर्चुनिस्टिक फंगल इंफेक्शन, ये ऐसे फंगल इन्फेक्शन है जो कि कैनिडियासिस के बारे से कॉज होते हैं, ये आपके मेरे यदि भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ग्रो हो रहे होंगे, इनके इम्यून सिस्टम के वीक होने का वेट करते रहते हैं, जैसा हमने पहले सेक्शन में बात किया आपके एड्स या फिर ऐसे इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशंस में ये ग्रो अप होते हैं और अपना इफेक्ट को डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ताकि हम उनके इन्फेक्शन को देखें और फिर उनको फर्दर दिस क्लास में क्लासिफाई कर सकें। अपॉर्चुनिटी मिलने का मतलब ही यही है कि इम्यून सिस्टम ह्यूमन बीइंग का कमजोर हो जाए तो वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करें। सो दिस वाज अ फर्स्ट वीडियो ऑफ एंटी फंगल ड्रग, जिसमें हमने बात करने की कोशिश की एक फंगल के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन, उनका कॉज क्या है, उनका रिस्क फैक्टर क्या है, और उनको लोकेशन के हिसाब से हम किस किस तरीके में क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस वॉज वेरी बेसिक ताकि आपको फंगल के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। अगले पार्ट से हम उनके क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म के बारे में देखना शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो दोनों सेक्शन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड हमने इसे लिया है पी जगदीश प्रसाद की बुक से।
सो अगर आपके पास इस बुक का रेफरेंस नहीं है, आपके पास नहीं है ये बुक, तो आप इन दोनों सेक्शन का स्क्रीनशॉट थोड़ी देर बाद आप ले सकते हैं, मैं यहां से हट जाऊंगा। सो फ्रेंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।